अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों मैं हूँ आपका अब्बास अल्लाह वाला। तो ये शिकंजे हैं ब्रेक शू वाले, जो ब्रेक शू रिपेयर होता है। आपने अगर वीडियो नहीं देखी वो देख लें। जैसे रिपेयर होता है ब्रेक शू, उसमें पहले शिकंजों में रखना पड़ता है 12 घंटे के लिए, अगर गर्म करते हो तो 1 घंटे के लिए। तो उसमें ये शिकंजा होता है एक के बाद, ये गुटका होता है और ये एक बोल्ट होता है। ये हैदराबाद का माल है, आज हैदराबाद जा रहा है तो मैं दिखाता चलूँ आपको। एक मेरे दोस्त ने मेरी वीडियो देख के काम शुरू किया हुआ है। ये बोल्ट है, ये बोल्ट को नीचे से झरी लगी हुई है। तो ये गुटका है, गुटके को भी यहाँ से झरी लगी हुई है। ये ब्रेक शू में इसको जो है फंसाना पड़ता है। ये तीन चीज़ें होती हैं शिकंजे के साथ। तो बहुत से लोग मेरी वीडियो देख के काम शुरू करते हैं। जो दोस्त काम शुरू करते हैं पहली मर्तबा, सामान मेरे से मंगवाते हैं, फिर वो जो है अपना जैसे शिकंजा बनवा लिया, ये बोल्ट बनवा लिया, ये गुटका बनवा लिया। काफ़ी लोग अपना भी बनाते हैं, बनवाते हैं, नहीं तो मेरे से भी ख़रीदते हैं। तो ये मेरे पर अपना जो है हैदराबाद माल भेजना था, तो मैंने कहा आप दोस्तों के साथ ये छोटी सी वीडियो एक शेयर की जाए। और इसमें जो है ब्रेक लेदर बनाने के लिए शिकंजा जो होता है कौन कौन सी चीज़ें उसके साथ होती हैं, तो ये बात आपको बतानी थी। एक गुटका होता है, एक बोल्ट नट बोल्ट दोनों, और किसी टाइम होता है तो झरी लगा लेते हैं, टाइम नहीं होता तो ये झरी नहीं लगी होती है। हर बंदा अपने इलाके से जो है लेथ मशीन वाले से लगवा लेता है। तो ये फ्रेम बनाते हैं और उसके बाद ये गुटका बनाते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। आपका गुलाम अब्बास, दुआ में याद रखना, पाकिस्तान जिंदाबाद।